ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। मेरा प्रत्येक वीडियो में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिर भी आपके सहयोग के लिए मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। आज मैं आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, केतु शुक्र गुरु की युक्ति। केतु शुक्र गुरु अगर आपके कुंडली में एक साथ बैठा हुआ हो तो क्या प्रभाव देता है? जिसके कुंडली में लग्न में केतु शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विचार के गंदे होते हैं, सोच गंदी होती है, आलसी होते हैं, शौकीन होते हैं, जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र गुरु केतु की युक्ति होती है, ऐसे लोग आर्थिक दृष्टि से हमेशा कमजोर रहते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं और कर्जदार हो जाते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में केतु गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे व्यक्ति माता पिता के धन दौलत को बर्बाद कर देते हैं, माता पिता भाई बंधुओं के विचारों से मेल नहीं खाता है और हमेशा विवादाग्रस्त में रहते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में केतु शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग अच्छे सुख पाते हैं, अच्छा धन प्राप्त करते हैं, अच्छा वैभव प्राप्त करते हैं, वो समाज में पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में केतु गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण शिक्षित होते हैं, समझदार होते हैं, लेखक होते हैं, पत्रकार होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में केतु शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रुओं से परेशान रहते हैं, शत्रु के कारण केस मुकदमा लड़ते हैं, जीवन इनका संघर्ष में जाता है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में केतु शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा होता है, पति पत्नी में तालमेल रहता है और कुंवारे लड़का लड़की हैं तो उनकी इच्छा अनुसार शादी होती है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में केतु गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग कलाकार होते हैं, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, ऐसे लोग संगीतकार होते हैं, ऐसे लोग गायक हुआ करते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में शुक्र केतु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग समाज में कम उम्र में अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अच्छा धन दौलत प्राप्त करते हैं, अच्छा यश सम्मान प्राप्त करते हैं और छोटे पद से प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में केतु शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, करोड़ों रुपये कर्जा खाते हैं, करोड़ों के कर्जदार हो जाते हैं, ऐसे लोग को सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला होता है, केस मुकदमा भी लड़ते हैं और सरकार के द्वारा दंड भी प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहवें भाव में केतु शुक्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग लोहा केमिकल मशीन के व्यापार से भी धन प्राप्त करते हैं, उद्योगपति बनते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में केतु गुरु शुक्र की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन के सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरे कर लेते हैं, चौथा पद इनका सुखदायी जाता है, इनका पारिवारिक जीवन पूर्ण सुखदायी। आप लोग ये वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, इसको आप लोग देखिए। वीडियो संबंधी कोई प्रश्न हो तो मेरे मोबाइल से कॉन्टैक्ट करिए, मैं सहयोग करूँगा। नमस्कार।